हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के 22 फरवरी फ्यूचर्स जो है यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह का प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड या फिर डाउनसाइड मोमेंटम के अंदर। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो प्रीवियस सेशन रहा है हमारा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला जो है यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। दैट इज डे हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है उसके बाद काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर हमें बाइंग अपसाइड के अंदर देखने को मिली है। तो वो मेरा से काफ़ी अच्छी बात जो कि यहाँ पर हमें बताता है, सजेस्ट करता है कि जो डाउन साइड के जो हमारे सॉरी अपसाइड के अंदर जो टारगेट्स थे यहाँ पर हमारे अच्छी होते हुए देखने को मिले हैं। ऑन द कॉन्ट्रेंट साइड अगर हम यहाँ पर वीकली ओवरव्यू एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पाइवट फिबोनाची हटा दिया है और यहाँ पर हमने यूज़ किया है 1 आवरली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे 31 जैन से। सो लेट्स सी 31 जैन विल बी दिस राइट। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कि एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कंसोलिडेशन फेज भी अगर हम इसे चाहे तो कह सकते हैं। दैट इज ट्रेडिंग इन बिटवीन ऑफ दिस कैंडल जो कि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ पर ऑफकोर्स आपको बता कि अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो है ट्रेड भी लिया होगा 6675 पर भी, तो भी नियरली जो हाई है वो काफ़ी अच्छा जो है। इंटरडे टारगेट्स यहाँ पर हमारे रहते हैं 10 से 15 पॉइंट्स तक के। तो ये जो इंटरडे टारगेट्स है वो भी यहाँ पर हमें जो है मोर देन 30 पॉइंट्स यहाँ पर हमें अच्छी होते हुए देखने मिले हैं। ऑल तो ये एक फेक रैली थी, फिर भी यहाँ पर जो है हमें टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। बट राइट नाउ ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी जो है गैप अप ओपनिंग हुई है और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर हमें जो है ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। सो इस तरह के करंट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर एनालाइज करना चाहें तो 6960 या फिर 6961 के ऊपर अगर यहाँ पर फिर से कैंडल जाती है और क्रूड ऑयल सस्टेन कर पाता है अबाउट दैट प्राइस लेवल तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर आप लॉन्ग पोजिशन बनाया जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड यहाँ पर आपको एक और थियरी जो है पता होनी चाहिए कि जो भी चीज़ का जो है यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर से उसका जो करेक्शन होता है वही लेवल पर यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल सकती है वो चीज़। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो जो यहाँ पर हमें अपसाइड रैली देखने को मिली है, जस्ट वेट फॉर मिनट, एरो अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो जो अपसाइड रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली तो फिर से जो है ये स्लोली एंड स्टेडली जो है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर हमें ये लेवल पर आके फिर से जो है एक अच्छा सा जो है यहाँ से फिर से एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर हमें करंटली जो चार्ट देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। बट ये जो है सिंक्रोनाइजेशन टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है अगर यहाँ पर एक अच्छा सा जो है मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़्यादा बनता है। तो ऑन द अदर साइड अगर हम यहाँ पर RSI देखें, डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो तो जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव ट्रेंड में ही आपको जो है जाते हुए देखने मिल रहा है। ऑल दो जो स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है बट जो है प्राइस ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई है। तो इसका मतलब है कि प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। ये जो है चीज़ बता रहा है डेली प्राइस। आप देख लीजिए कि कौन से लेवल्स आपको जो है बढ़ते हुए देखने को मिली है जैसे कि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो RSI है, RSI भी अगर चाहे तो अच्छा सा बढ़ सकता है बट RSI के अंदर इतना पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है एक फेक रैली जो है यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको जो है नई पोजीशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।